पशु पालक भाइयों, क्या आपका पशु समय पे हिट पे नहीं आ रहा है? हिट पे आने के बाद बार बार फिर रहा है या रिपीट हो रहा है? या आपका पशु शरीर से कमजोर है? तो घबराइए नहीं, न्यूट्री डाइट खिलाइए। रोज 100 ग्राम दिन में एक बार चाट दलिए दाने में मिला कर दे, और छोटे बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए भी न्यूट्री डाइट दे। आप इसे हर मेडिकल स्टोर से, ऑनलाइन या अमेजोन फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। नीचे लिंक दिया हुआ है। चूक ना जाना न्यूट्री डाइट खिलाना। पशुओं की बात पशुपालकों के साथ, पशुपालन विकास में देखने वाले सारे भाई ना भाई गुरमित कवि के हाथ जोड़कर राम राम। नमस्ते दोस्तों, पशुपालन विकास मंच का हमेशा से प्रयास रहा है आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया अच्छी क्वालिटी के पशु दिखाने का। उसी मुहिम के तहत आज पहुंच चुके हैं गांव बड़ा, जिला करनाल में, मोहित भाई के पास आप पहुँचे हैं। भाई मोहित मान बहुत अच्छे फार्मर हैं और बहुत अच्छा पशुपालक भाई, और बड़ी अच्छी झोटी भाई ने तैयार कर रखी है। वीडियो सेल के लिए अवेलेबल है, झोटी सेल के लिए अवेलेबल है। वीडियो में झोटी आप लोगों को दिखा रहे हैं, बहुत गजब की झोटी है। सारी बातें मोहित भाई से जानेंगे और आपकी मुलाकात कराते हैं। मोहित भाई राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। एक बार दर्शक सारे भाई हाथ जोड़कर राम राम भाई, जो यूट्यूबर भाई के। और ठीक हो भाई जी? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई साहब। कब तक जुट रहे हो पशुपालन में? वो तो भाई जब दादा तभी कर दे रहे हैं, फिर आपने 4 साल हो गए डायरी कर रहे हैं। बड़ा काम मत बाहर जाने का बहुत क्रेज है, कई सोया बालक मतलब कई सौ बालक अमरीका बैठे हैं। हाँ भाई, अपने बात से को कर रहा क्या? गए थे भाई, आप अभी गए थे, फिर काम नहीं चल रहा भाई, दो महीने बट देख के फिर आएंगे वापस। ठीक ठीक ठीक। ये मौके पर अपनी डायरी में कितने क्या पशुधन खड़े हैं? ये भाई मौके पर अपने 6 महीने खड़े भाई। दूध का काम है मोहित भाई, एक सेल परचेज पे करना फोकस रखा करो। दूध का भी है भाई, अरबी का तो बेच भी देंगे भाई। दूध का क्या कुछ रेट चल रहा है? जैसे दूध का भाई व्यापारना जा रहा है 74 रुपये फेंटा पे। अच्छा, फेंटा पे। हां फेंटा पे दो भाई, फेंटा पे दो सारा। हां भाई, ठीक ठीक ठीक। तो जो वीडियो में झोटी देखने लाग रहे हैं, कौन सा के ब्यात है झोटी का? इसका भाई तीसरा ब्यात है। तीसरे ब्यात में बच्चा देगी? हाँ, तीसरे ब्यात में बच्चा देगी भाई साहब। शुरू से ही अपने पास कितने लेके आए थे आप? नहीं भाई, आपा ने गांव में भैंस खरीदी थी, ये 9 महीस इकट्ठी। अच्छा, एक खुंटे पर ली थी। 9 की 9? 9 की 9। ठीक ठीक। डेयरी में? हाँ डेयरी में ली थी, अपने गांव में एक भाई पर। ठीक है, तो उनमें कुछ सेल होगी, कुछ ही खड़ी है 2-3 महीस। तो यह जीवा पर लीजिए, कौन से ब्यात में थी? जीविया भाई दूसरे ब्यात में थी। दूसरे ब्यात में नीचे कटड़ी थी इसका। अच्छा अच्छा। तीसरे ब्यात में बच्चा देगी? हाँ, तीसरे ब्यात में हमने दो बच्चा देगी। कितना के दूध दिया अगर मैं इसकी बात करूँ पीक लेवल पे? इस ने झोटी ने इसका भाई पीक लेवल पर दूध था भाई साहब 20 किलो 19 किलो। 19-20? हाँ। किलो में? हाँ। धार पूछा अगर मोहित? एक नंबर का फोकी धार आ गई भाई, कोई थन में घट नहीं बद नहीं। अच्छा, स्वभाव जम ठंडे स्वभाव की। कभी दूध दाद बिलो का भी देखा है इसका? मतलब मक्खन वगैरह टिंडी जिन्हें नूने की वो कितना की? हाँ, इसका जो भाई सजीव लाए जीव 2-3 महीने से दूध रखा करा। हाँ। तो उसमें बढ़िया रिजल्ट दे रहे थे मैं। उसमें बढ़िया रिजल्ट रहा? हाँ, बढ़िया रिजल्ट रहा। अडर क्वालिटी की बात करा, बहुत अच्छा अडर निकाल रही है। न्यू बताया आज बयान के दिन कह रहे हैं एग्जैक्ट? ब्याण के दिन भाई साहब इसके कम तक कम भी 1 हफ्ता हो रहा है। 1 हफ्ता हो रहा है आज जो आपकी वीडियो बनने लग रही, क्या डेट है आज अंकित भाई? आज 13। अच्छा, 13 मई को वीडियो बनने लग रही। हाँ जी, हाँ जी। 20 मई को दिन पूरे होंगे? हाँ जी, 1 हफ्ता। 1 हफ्ता हो रहा है, तो इसी हिसाब से तो ऑर्डर अभी तो फिर मतलब निकाल लेगी। और निकाल लेगी भाई साहब, यही तो तैयार होगी। थना का डिस्टेंस देखा, थना की लेंथ देखी, बहुत बढ़िया गजब के थना। हाँ, बढ़िया कट, चौड़ा पेट, पुट्ठा है बढ़िया, स्वभाव शांत है, अति ठंडा स्वभाव है भाई साहब। ठीक ठीक ठीक। कितने लंबे टाइम तक दूध देते हैं भाई? अपने तो रह दिया इन्हें 8 महीने तक प्रेग्नेंट होने के बाद। अच्छा अच्छा। कितने दूध पर छोड़ी लास्ट टाइम? अपन छोड़ी भैया 9 किलो दूध पर छोड़ी थी। 9 किलो दूध पे? हाँ भाई। तो ईब अगर इसी सेल की बात करा के कुछ रेट होने वाले हैं मोहित भाई? भाई साहब इसके मौके पर तो है फिलहाल के 4 लाख रुपए। अच्छा, अभी का जो रेट? हाँ, जो आज का रेट क्या बनेगा रेट? 4 लाख रुपये। 4 लाख रुपये, और फिर बाकी जो ब्यागी उसके ऊपर उसके बाद डिसाइड होगा। 4 लाख रुपये? 4 लाख रुपये आपने बता दिया, ठीक है। आपका पशुधन है तो इसकी थना की ओट होगी भाई साहब, जैसे कोई लेके जाओगा? हाँ, जो आज भाई लेके जाओगे आप बनना, इसकी थना की फुल ओट होगी। फुल ओट होगी, फूल वगैरह की जो करो? हाँ, सब फुल ओट होगी, उनकी पूरी गारंटी ले रहे हैं। 4 लाख रुपए भाई ने कीमत बताई है। 19-20 किलो दूध पिछले ब्यात में दिया है, तीसरे ब्यात में बच्चा देगी। बच्चा देगी टिक्का या जोटे करा रखी है? जोटे करवा रखी है अपने, खुद के जोटे। अच्छा, खुद का जोटा? हाँ, जोटा सेल कर दिया। ठीक ठीक ठीक। कितना के मतलब कटेगा जोटे का उसका? वो भी भाई गांव में ले रखा था, बढ़िया कटड़ा था, बढ़िया। हाँ। अपने घर के झोटे दे भाई ने प्रेग्नेंट करा रखी है, 4 लाख रुपए कीमत बताई है। प्लस कितनी बढ़िया बात भाई ने कह दी, थना की आप पूरी ओट देवांगे, फूल जो दिखाने की बात बताया अगर प्रोलैप वाली उसकी भाई पूरी गारंटी ओटन लाग रहा है, और बाकी भाई
मैं भी तो किसी के बड़े ना भाई ना ना, ना ये तो पशु सामने है 4 लाख रुपये इसकी कीमत होगी भाई। तो जिस भी पशुपालक भाई ने भाई साहब का पशु समझ में आवे वो भाई तो संपर्क भी कर सकता है गांव बड़ा जिला करनाल में है मोहित भाई के पास। एक बार भाई मोबाइल नंबर बता दो मोहित। 8950-86-67-07 8950-86-67-07 व्हाट्सएप का भी नंबर है। गांव में जो अपनी डायरी फार्म है वो किसी है गांव में लोकेशन बड़ा काम है अपना भाई है मानपुरा चौक तय स्टेडियम की साइड है। मानपुरा चौक से जब आप स्टेडियम की साइड आओगे तभी भाई की डायरी है। बहुत बढ़िया फार्मर भाई है। अच्छा जो अपने घर पे मान ले पशुधन और खड़े हैं 6 से 7 है उन मोर भी कोई झोटी सेल के लिए अवेलेबल है। हाँ, दो महीने के बाद भाई अपनी एक झोटी और तैयार होगी। अच्छा हाँ तो फिर उसकी और उसकी भी वीडियो बनाओगे भाई। 2 महीने के बाद उसका भी डिलीवरी टाइम नज़दीक आ जाएगा देन उसकी भी भाई वीडियो बनवाओगा। अभी का जो रेट है प्रेगनेंट झोटी है 4 लाख रुपये कीमत होने वाली है 19 से 20 किलो। पिछले बात में दूध दे रखे पशुओं की बात पशुपालकों के साथ पशुपालन विकास में देखने वाले सारे भाई राम राम भाई राम राम भाई साहब।